देखिए 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई 20 मार्च को पहुंचेगी। इसमें 15 राज्य शामिल हैं। इस यात्रा में 110 हमारे जिले शामिल हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, देश के लोगों को न्याय दिलाना। पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक। राहुल जी का कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक रहेगी। किसके साथ अन्याय हो रहा है? 10 सालों में बेरोजगार युवाओं से वायदा था ना, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिल गई। नौकरियां नहीं, हक अधूरा है न्याय का, ये लड़ाई जारी रहेगी। किसानों को कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून मिलेगा, आय दुगनी होगी, कर्ज माफ होंगे, नहीं हुए 10 सालों में, न्याय नहीं मिला, न्याय का हक अधूरा है। महिलाओं को कहा 33% महिला आरक्षण कानून आएगा, कानून आ गया, 24 में लागू नहीं हो रहा, बहनें आरक्षित सीटों पे नहीं लड़ रही हैं, तो हक अधूरा है, कानून आ गया लेकिन महिलाएं नहीं पहुंच पा रही संसद में, तो उनकी लड़ाई है। लड़ाई हमारी शोषित बलात्कार और यौन उत्पीड़न की शिकार बेटियों को न्याय ना मिलने की ये लड़ाई है, जिसमें आपके बिल्किस बानो से लेकर, साक्षी मलिक से लेकर, मणिपुर की आदिवासी बेटियों से लेकर, BHU की, प्रधानमंत्री जी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र से BHU में IT बेटी में पढ़ने वाली बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले 3 भाजपाई IT सेल के हैं, है ना। ब्रजभूषण के खिलाफ FIR सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद होती है। मणिपुर की बेटियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद होती है। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को वापस जेल में डालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देती है। धन्यवाद करती है देश की आदि आबादी की, सुप्रीम कोर्ट ना हो तो न्याय ना मिले। तो इन सबकी दलित आदिवासी जो है, हमारे जितने अग्निपथ भर्ती योजना, हमारा युवा देश में माँ भारती की सेवा के लिए शहीद होता है वहां जाता है, ठेके की नौकरी अग्निपथ 4 साल में, आज जंतर मंतर दिल्ली पर हमारे देश के जो युवा थे, जो सपना देख रहे थे, जिनके सपनों को तोड़ा है, आज वो 1.5 लाख पद जो खाली पड़े हैं आज जंतर मंतर पे बैठे हैं। अग्निपथ भर्ती योजना रद्द करके सेना की पक्की भर्तियों को करना, शहीद को शहीद का दर्जा देना, सम्मान में तिरंगा कफन उनका हक था जिसे छीना है सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना लाकर। तो इन सबकी लड़ाई को, जातीय जनगणना जिसकी जितनी आबादी उतना हक ही नहीं मिल रहा उनको, अपने मन मुताबिक आप जो है अपना वोट बैंक के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि सरकार आते ही जातीय जनगणना हम करवाएंगे, जिसकी जितनी आबादी उतना हक दिलाएंगे। महिला आरक्षण बिल पास हो गया, इसे लागू कर देंगे। जिन राज्यों में, मान लीजिए चुनाव होते ही सरकार इंडिया अलायंस कांग्रेस की बनते ही, आपका हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में, तीनों में विधानसभा चुनाव है, सरकार आते ही लागू होगा। इन विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी, विधायक बनेंगी, और राहुल जी ने तो ये भी कहा जब ये विधायक बन जाएंगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से 1 कदम दूर होंगी। तो ये सपना है जिसे हम सब मिलकर साकार करेंगे, और ये सब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से साकार होगा। इनसे पूछिए क्या कारण है कि देश के बड़े धर्मगुरु हमारे शंकराचार्य वो नहीं जा रहे। उन्हीं का कहना है, उन्हें आप धर्म विरोधी कहेंगे, उनका कहना है कि राम मंदिर निर्माण अभी अधूरा है, क्या जल्दबाजी है भाजपा को या प्रधानमंत्री जी को। सबको मालूम है 24 का चुनाव है, पूरे मंदिर का निर्माण अधूरे के बीच में उद्घाटन करना, उसका पूरी तरह से राजनीतिकरण करना, धर्म गुरुओं को ही मंदिर से दूर रखना, न्योता जा रहा है कि एक के साथ एक आदमी आएगा कौन नहीं आएगा, ये कौन तय कर रहा है? ये RSS, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, प्रधानमंत्री जी तय कर रहे हैं किसको निमंत्रण जाएगा, कौन सा मुख्यमंत्री आएगा, कौन नहीं। हमें लगता है ये धर्म से जुड़ा मामला है, पूरी तरह से धार्मिक लोगों से, जो पूरी तरह से वहां पर समर्पित है, शंकराचार्य है, ये काम जो है वो प्राण प्रतिष्ठा, ये धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों जो वहां की सेवा में लगे, उनके साथ होना चाहिए। हमने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे धर्मगुरु शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है और जो ये कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, अधूरा निर्माण करके बीच चुनाव में वोटों की राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है, ये रुकना चाहिए, वो ये कह रहे हैं, और हम उनके सम्मान में उनके साथ खड़े हैं, है ना, उनके साथ खड़े हैं। अब उनके लिए आपको क्या कहना है ये देश तय करे। धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।